अब इसके आगे आगे किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले हमने ये ग्रुप तो बनाई नहीं है, उसके तो ग्रुप को सिलेक्ट करके दोनों को थोड़ा ग्रुप के नीचे की तरफ ले आते हैं। यहाँ से मूव टूल लेते हैं, उसको क्लिक करके और यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि इधर का नाम ऊपर आ सके। कंट्रोल की वजह से थोड़ा डिज़ाइन को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नीचे भी स्पेस में। और अगर दोनों को सिलेक्ट करें कंट्रोल सी की मदद से तो ऑल्टर के साथ थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि इसमें ऊपर नीचे थोड़ी स्पेस में चला। और क्या थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इधारे का नाम आ जाएगा, कुछ स्पेस नीचे बच जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर इधारे का नाम लिखना है। हमने यहाँ पे ग्रुप ऐड कराया और उसका नाम लिख दिया हेडर टैग। और हेडर टैग पे क्लिक करके ग्रुप जो बन गया है उसका टैग क्लिक लिख कर यहाँ पे हमें इधारे का नाम लिख लेना है। ठीक है, क्लिक किया सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइप किया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइप करने से पहले दो पैनल का काम जानना जरूरी। कैरेक्टर का पैनल आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है ताकि आपको यहाँ पे सेटिंग्स का पता चल जाए। पहले सेटिंग्स को बाई डिफॉल्ट कर लें जो कि पहले की सेटिंग है, यानी कि इसका साइज हम यहाँ पे 18 कर लेते हैं। टॉप स्पेसिंग और ग्रिड स्पेसिंग को 0 कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं। यहाँ पर भी 100% चाहिए 100% और ये कलर सेट है क्योंकि यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पर लिखा नहीं। अब ये इस तरह से क्यों नज़र आ रहा है, इसकी दो चार वजूहत हैं। एक तो जूम हमने 191% किया हुआ है, ऊपर से पिक्सल्स हमने अपने बैनर में कम रखे हैं। तो अगर यही फॉन्ट हमें सही लग रहा है तो हम इसका फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमने बढ़ा सकते हैं पे कर दिया। कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट किया, उसकी लेयर का आपके नीचे ले लिया, उसमें हमने टाइप कर दिया ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे उसको पैक कर दिया और नीचे हमने इसके लिखना है और क्लिक किया यहाँ पे और करके क्लिक पे हमने कंट्रोल जे करके उसका डुप्लीकेट किया और नीचे टाइप कर दिया हमने उसके साथ कॉल कर लिया हमने यहाँ पे और उसको यहाँ पे 0 कर दिया ताकि फिर फॉन्ट साइज। और ये देखिए इसका लाइन स्पेस बहुत ज़्यादा है तो लाइन स्पेस को कंट्रोल हम यहाँ पे करेंगे। तो ये 6 पॉइंट का लाइन स्पेस दिया हमने इसके साथ, थोड़ा सा इसको एंड करके थोड़ा सा अलग कर दिया और क्लिक करके यहाँ पे कर दिया। कंट्रोल सी दबाया और ऑल्टर टेक्स्ट के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा कम किया। और कम करने की जरूरत है तो यहाँ पे और कम किया हमने इसको थोड़ा सा और कम करने की जरूरत है तो कर लेते हैं ज़्यादा है। तो अब इसको कंट्रोल 0 करते हैं, पहले देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। तो अनुसरी को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है, बाकी ये तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्पेसिंग करते हैं कैरेक्टर्स के जरिए, यहाँ पे 25 कैरेक्टर्स का और यहाँ पे हम इसका 75 कैरेक्टर का स्पेस थोड़ा देते हैं ताकि इसके अंदर नज़र आने लगे। और जो इसकी वर्टिकल स्पेसिस है जिसका 14 पॉइंट का स्पेस दिया हमने बढ़ा के उसको थोड़ा सा 13 पर कन्वर्ट करिए, थोड़ा सा थोड़ा अलग कलर करना है उसके ऊपर। ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैक कलर के ऊपर अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर देंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अल्फेनी पे क्लिक करके अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करके इसको ब्लैक कलर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करके ऑल्टर के ऊपर इसको बड़ा कर देते हैं ताकि नाम इसके ऊपर पूरा का पूरा इस तरीके से नज़र आ सके। ठीक है, क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, टेक्स्ट लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे और जो न्यू वाला पोर्शन है उसके ऊपर देखते हैं। कलर स्कीम के हवाले से इसके अंदर जो कलर यूज़ किया है इस तरह का कलर है, कुछ उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ब्लू कलर स्कीम को यूज़ किया है, यहाँ से ब्लू वाला ब्लू कलर स्कीम यूज़ कर लें इसके ऊपर, ठीक है, क्लिक करके अप्लाई करते हैं थोड़ा सा नज़र आएगा। और ऊपर भी जो कलर है वो ठीक है, अगर वही आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ठीक है, इसके साथ यूज़ किया जा सकता है। और उसके टॉप पर ले जाते हैं उसको इस तरीके से खिला देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मीडिया वाला पोर्शन कम्प्लीट हो गया, सही लग रहा है। कंट्रोल एफ करके सेव कर देंगे और ये हमारा काम कम्प्लीट हो जाएगा। ये हेडर टैग का कंपाउंड हमने कम्प्लीट कर लिया। अब आज नीचे अपने उसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर बना लेते हैं और उसका नाम लिख लेते हैं 0 टैग। अब 0 टैग पर भी यहाँ पर कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह से का नाम आएगा और उसके भी अगर आप कंट्रोल 0 पे करें तो इस तरह से टैग फॉर्म नज़र आएगा। तो स्कूल का नाम देंगे स्कूल 2017 सेक्शन, इस तरह से कुछ चीज़ लिखनी है यहाँ पे, तो यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं एडमिशन ओपन, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं एड जीरो टैग पर AD एडमिशन ओपन। ठीक है, और यहाँ एडमिशन ओपन लिखने के बाद हम क्लिक करते हैं यहाँ पे इसका फॉन्ट हम वाइट करते हैं क्योंकि उसके ऊपर वाइट भी ज़्यादा उतरेगा, पीछे का कलर थोड़ा डार्क भी करेंगे हम इसको देखते हैं। तो एडमिशन ओपन लिखते हैं यहाँ पर और उसके साथ साथ जो इसका फॉन्ट जो है वैसे तो नहीं निकल रहा है लेकिन
कंट्रोल सी करके उसको डुप्लीकेट कर देते हैं, और यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल से डुप्लीकेट यहाँ पे चले जाएंगे नीचे, और यहाँ पे क्लिक करके 2024 लिख देते हैं यहाँ पे, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये इतना से हो गया। अब हमने इसके लिए आपको अप्रोप्राइट एक फॉन्ट चूज करना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं कैरेक्टर के तरह से, जैसे कि ये तो बहुत ही बड़ा फॉन्ट है, ये देखते हैं। हाँ ये कुछ सही है, लेकिन इटैलिक हो सकता है, थोड़ा और ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या करें ये वाला ले लेते हैं फॉन्ट स्ट्रक्चर, कंट्रोल सी करके बल्कि इसको एडमिशन ओपन पे रखते हैं, और सेशन 2024 को कंट्रोल डी करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि दोनों इक्वल हो जाए और एक तरह बोल्ड और लिटिल बिट इटैलिक कर लेंगे, 14 कर लेते हैं फॉन्ट साइज यहाँ से, तो इस तरह से रख के हम दिखा लेते हैं, और यहाँ से इसे थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, कुछ का कुछ का हमने यहाँ पे लिखी। अगर ये कोई चीज़ थोड़ा छोटा लग रहा है तो ज़्यादातर आप 3 का कर लें या 3 का कर लें, 3 का भी इनफ ही रहेगा, और फिर करेक्टर पैराग्राफ में आकर इसको जस्टिफाई कर दें ताकि दोनों साइड से बैलेंस हो जाए, ओके कर देंगे नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, इसी का एक डुप्लीकेट कर लेंगे कोड का, क्लिक करके कंट्रोल से डुप्लीकेट लिया हमने, और यहाँ पे इसके नीचे रख लीजिए, और है तो इसको कंट्रोल से करके और डुप्लीकेट दे लीजिए इसको इसके नीचे, यहाँ पे इस तरह से रख लीजिए। ठीक है, तीनों आप इस तरह से रख देंगे स्पेस बाय स्पेस, यहाँ पे रख के आपने इसको यहाँ पर रखा देना, और यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा दोनों को थोड़ा बहुत नीचे कर देना है, ताकि इसका इस तरह से इफेक्ट आ जाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये मिल जाएगा, टेक्स्ट तो उसके हाथों के ऊपर आ रहे हैं, उसकी वजूहत ये है कि वो डिज़ाइन नीचे और टेक्स्ट ऊपर है, तो अब यहाँ पर करना ये पड़ेगा कि कुछ टेक्स्ट ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे इस कवर पेज वाले डिज़ाइन में। ठीक है, जो टेक्स्ट उसके ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ से वो टेक्स्ट यानी कि जैसे ये वाले टेक्स्ट हैं वो वाले पर, तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र करके लेके जाने पड़ेंगे आपको यहाँ पर, और यहाँ पर जाके इसको कॉपी के लेकर रखने पड़ेंगे। तो ये पकड़ा हमने यहाँ से और नीचे लेकर आए, चलो पहले यहाँ रख लेते हैं, देखते हैं उसके हाथों से पीछे तक मूव हो रहा है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप सेट करते हैं, और फिर हम आ जाते हैं हीरो पैक पे,
क्लिक करके यहाँ पर, और फिर यहाँ पे जब वो बनाने से मैं भूल, तो यहाँ पे करके एक बुलेट यहाँ बना लेते हैं और कलर वाइट कर देते हैं, तो इस तरह का बुलेट यहाँ बन जाएगा। टॉप इसको ब्लैक कर देते हैं, ऑल्टर के साथ इसकी कॉपी लेके यहाँ पे रख देंगे, और ऑल्टर के साथ इसकी कॉपी लेके फिर उसके साथ इसके ये देखिए इस तरह का मामला ऐसे डी हो जाएगा। ठीक है, और स्पेशल कोर्सेज लिखा था हमने, उसके बाद हमने इसके अंदर और टेक्स्ट लिखना था, जैसे कि स्कॉलरशिप के बारे में लिखना था यहाँ पे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब आ जाते हैं डिज़ाइन टेक्स्ट के ऊपर। तो डिज़ाइन टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, अच्छा ये तीन सर्किल इससे बाहर आ गए, हेडर टेक्स्ट, तो हेडर टेक्स्ट हमें डालना है, इसको जीरो टेक्स्ट में डालना है। तो जीरो टेक्स्ट यहाँ पर खोल लिया, तीनों टेक्स्ट को आगे जीरो टेक्स्ट में डाल दिया, और ये कट भी हो गए, और यहाँ से दूर हो गए। तो दोनों को भी ऐड कर देते हैं। डिज़ाइन के ऊपर एक और ऐड कराएंगे, जिसका नाम लिखेंगे हम डिज़ाइन टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को कैसे दिखाना है यहाँ पे, तो क्लिक से हमने यहाँ पे स्कॉलरशिप लिखना है यहाँ पे, तो स्कॉलरशिप लिख के कंट्रोल डी किया, प्लस ऑल किया, यहाँ पे क्लिक करके कॉन्टेक्ट ब्लैक ले लिया, मुस्लिम ले लिया, यहाँ पे क्लिक करके स्कॉलरशिप हमने स्मॉल लेटर से लिख दिया। ऐसा कोई मसला नहीं, अगर स्मॉल में लिख दिया तो स्पेलिंग तो सही है, एस टू एच ओ एल ई आर, एस टू एच ओ एल ई आर स्कॉलरशिप सही लिखिए, कंट्रोल है। तो यहाँ से आप ऑल कैप्स करके भी इसको सर्च कर सकते हैं, ऑल कैप्स होंगे कैपिटल, और फिर यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज यहाँ पर बना सकते हैं, और जो इसके ऊपर कलर यूज किया वो वाइट ही है, ऑलरेडी हम वाइट की टाइप में ब्लैक कर दिया है, पहले टाइप कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो मायरेड वाला ऊपर वाला हमने यूज़ किया था फॉन्ट, वही सही रहेगा, या फ्रैंकलिन के नाम से भी फॉन्ट है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ्रैंकलिन फॉन्ट के साइज अगर बोल्ड कर दिया जाए थोड़ा मोटा नज़र आता है, और इसको क्लिक करके यहाँ से कंट्रोल सी और अल्टर शिफ्ट के साथ ऐसे कर लें, और यहाँ पर ला के सेट कर देते हैं, अल्टर शिफ्ट के साथ इसको बड़ा करेंगे और इसको इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर रख के क्लिक कर देते हैं, यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अब फॉन्ट को बाद में यहाँ से थोड़ा सेलेक्ट करके और यहाँ पर इसको वाइट कर देंगे, तो ये देखिए इसका स्कॉलरशिप वाला फॉन्ट इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है, थोड़ा सा फॉन्ट को और उभार देने के लिए हल्का सा क्या करते हैं, इसको क्लिक करके जैसे उसके ऊपर थोड़ा सा उभार देना है जिसे दूर से नज़र आए, तो उसको ड्रॉप शैडो करते हैं, पर लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं करते, ऑपोसिटी उसकी हल्की रखते हैं, क्योंकि फॉन्ट आपको दूर से ही दिखने में आ जाए। अब देखिए मैं ड्रॉप शैडो को हटाऊंगा तो ये फॉन्ट ऐसा था, और अब उसके बाद देखिए कैसा नजर आ रहा है, ये ज़्यादा अप्रोप्राइट है इसी से, तो इसके ऊपर इस तरह से भी ये काम किया जा सकता है। लेकिन मैं इसके ऊपर भी देखिए, जब इसके ऊपर ड्रॉप शैडो लगाऊंगा तो ये टेक्स्ट मैंने डिज़ाइन के अंदर ही रखा होगा, क्योंकि मेरा तो इस पर लैंडिंग ऑप्शन से जाऊँगा और इसे हल्का सा ड्रॉप शैडो दूंगा, इसके ऊपर भी देखिए एकदम कैसे उभर जाएगा ये देखिए, और उसके बाद ऑपोजिट हल्का कर दूंगा तो ये देखिए फिर भी नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा साइज को भी कम करना पड़ेगा, ये ज़्यादा बाहर आ रहा था फॉन्ट, और ये देखिए साइज भी कम हो गया, डिस्टेंस भी थोड़ा सा कम कर लेंगे इसके अंदर से, और देखिए अब आपको टेक्स्ट पहले से ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, क्योंकि पहले देखिए ऐसा था और अब देखिए दूर से ही ये क्लियर हो जाता है। तो इसी तरीके से अब आपने बाकी हिस्से को भी फिल कर लेना है, ये सारी चीज़ें भी जैसे मैंने आपको ये फिल करके बताई हैं, तो फिर आपका ये पोस्टर जो है कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बाद में जब सारा कंप्लीट कर ले, बिल्कुल डिज़ाइन टेक्स्ट वगैरह हो जाए, फिर इसकी रेजोल्यूशन को हम बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं रेजोल्यूशन, इमेज में जाके इमेज साइज पर क्लिक करते हैं, 100 की रेजोल्यूशन पे 300 कर देते हैं, जब फुल काम फिनिश हो जाए तब करना है अपने काम, शुरू में नहीं कर देना, फिर शुरू में करने में ये मतलब होगा, फिर जितना काम करोगे उसमें हैंग करना शुरू करेंगे। फाइनल जब हो जाता है बिल्कुल टचअप मतलब सेट हो गया बिल्कुल, फिर हम इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा के 300 पे कर देते हैं। जैसे ही 300 पे रेजोल्यूशन करते हैं तो अब आप देखें जो आपका टेक्स्ट ये कट रहा था कैसा नजर आ रहा है, पेसो करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, तो ये चक्कर होता है, इसलिए हम इसको बाद में करते हैं, क्योंकि सिस्टम हमारा हैंग वगैरह